नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार झारखंड राज्य में चल रहे विकास कार्यों को दर्शाते हैं। किसी भी देश या किसी भी राज्य का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब वहाँ का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह महिला हो या पुरुष, आर्थिक तौर पर सशक्त हो और पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। हमारे राज्य झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है और सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हों। इस क्रम में हमें यह देखने को मिल रहा है कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की एक अहम भूमिका है। JSLPS के द्वारा पलाश मार्ट का निर्माण किया गया है, जिसके तहत महिलाओं द्वारा बनाए गए घरेलू उत्पादों की ब्रांडिंग कर दी गई है और उन्हें एक बेहतर बाजार मुहैया कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे लोहरदगा ज़िला, जहां पर पलाश मार्ट के तहत महिलाओं द्वारा बनाए गए घरेलू उत्पादों की ब्रांडिंग कर दी गई है और उन्हें एक बेहतर बाजार मुहैया कराया जा रहा है। महिलाओं के अंदर योग्यता का भरमार होता है, बस जरूरी है उन्हें सही मार्गदर्शन देने का। सही मार्गदर्शन में महिलाएं बड़े से बड़ा परिवर्तन ला सकती है, किसान बन सकती है, उत्पादक अथवा उद्यमी भी बन सकती है और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत कर वास्तव में नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बन सकती है। आज हम पहुंचे हैं लोहरदगा जिला के प्लास्ट मार्ट में, जो कि JSLPS के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इस मार्ट की खास बात यह है कि यहाँ की जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ देखेंगे, सब उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से, आइए देखते हैं। हम बहुत गरीब थे, हमारा ये लोहरदगा जिला में ही भंडरा से दीदी लोग ड्राइव टीम आई थी, उन्होंने हमको जोड़ा समूह में। समूह के बारे में हमको बताया कि समूह में जुड़ने, अभी ऐसा स्थिति है, समूह में जुड़ने के बाद हमको, माने जुड़ने के बाद क्या क्या फ़ायदा है उन्होंने बताया हमको। समूह में जुड़िए दीदी, साप्ताहिक बचत कीजिए, बचत करने से हमारा समूह माने बड़ा होगा। छोटा हम अपना बचत करके, छोटा छोटा ऋण ले करके अपना परिवार को हम चलाते थे, ज़रूरत पूरा होता था समूह में जुड़ने से। तो पहले मैं बहुत गरीब थी, समूह में जुड़ने के बाद छोटा छोटा ऋण ले करके हमारा CIF आया, RF आया, CCL आया, उस पैसा से हम ले के अपना घर में लगाए, बाल बच्चा को पढ़ाए, अपने में हम कुछ ट्रेनिंग लिए, ये JSLPS के द्वारा ट्रेनिंग ले के हम सक्रिय के रूप में गांव में भी हम काम किए। और इसी बीच हमको JSLPS हमको कुछ सुझाव दिए तो हम लोग अपना PG ग्रुप एक बनाए। PG ग्रुप में कुछ सहयोग राशि हम लोग का आया, मैंने सहायता राशि, उसमें हम लोग सत्तू और बेसन का उत्पाद करने लगे। अब बेसन सत्तू उत्पाद करने लगे, उसी बीच फिर हम लोग को इधर से सुझाव मिला, अपना विभाग से सहयोग मिला और हम लोग को समझाया, तो हम अपना प्लास मार्ट ये इसमें हमको दिया, सौंप दिया, हैंड ओवर किया। इसमें कुछ हम लोग अपने से भी लगाएं और विभाग भी हम लोग को कुछ संपत्ति दिया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से स्वयं सहायता समूह से जोड़ा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद इन महिलाओं को घरेलू काम में आने वाले विभिन्न उत्पादों को उत्पादित करने के प्रशिक्षण के साथ एक केंद्र भी उपलब्ध कराया गया, जहां ये महिलाएं घरेलू काम में आने वाली विभिन्न तरह की वस्तुओं का निर्माण कर अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर रही हैं। देसी चावल, ढेकी राइस, मधु है, जूट बैग है, हल्दी मसाला दीदी लोग जो कूट करके देती है वो है, और अरवा चावल है जो बिना पॉलिश का देसी चावल है, और सत्तू है, बेसन है, मकई आटा है, मड़ुआ आटा है जो दीदी लोग, और खाने पीने का छोटा छोटा चना, मटर, बादाम वगैरह सब उत्पाद करके हमको देती है। हम ब्लॉक में सेल करते हैं, लोकल भी सेल करते हैं, जो यहाँ आते हैं कैंप में, यहाँ से भी कुछ लोग ले जाते हैं, बाहर से भी, माने हम लोग अपना प्रचार प्रसाद अपना ग्रुप में भी, ग्राम संगठन का मीटिंग होता है उसमें भी, CLF में भी, ये सब हम लोग प्रचार किए तो
लोग तक पहुंच गया हम लोग का मैसेज और आते हैं यहाँ खरीदारी करने। तो लोग सामान कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? लोकल भी सर और गांव घर से भी। दीदी लोग जो समूह की दीदी लोग यहाँ मिलता है देसी चीज़ प्योर मिलावट नहीं, इसलिए यहाँ से आते हैं लेने। वही रेट लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपना मेहनत हाथ का बनाया हुआ तो 2 रुपया 1 रुपया थोड़ा सा बढ़ के हम लोग देते हैं। हाथ का बनाया हम लोग मेहनत करते हैं, साफ सुथरा से हम लोग बनाते हैं। दीदी सत्तू उत्तू को आप भी बना देते हैं जी? अगर उसका क्वालिटी की बात करें तो बढ़िया सत्तू बने तो किन किन बातों का ध्यान देते हैं? उसमें कोई अकरा ना मिले उसको हम लोग बढ़िया से बनाते हैं, छिलका को हटा लेते हैं और पिसवा करके पैकेजिंग करते हैं। महिलाओं को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने समूह की महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्लास नाम की ब्रांडिंग भी दी है, जिससे ये महिलाएं अपने वस्तुओं को अधिक से अधिक बिक्री कर आर्थिक तंगी से कोसों दूर हो गई हैं। बदलाव आ गया, हमने बहुत हम खुश हैं। JSLPS में जुड़ने के बाद जो मेरा स्थिति खराब था वो काफ़ी बदलाव हो गया। अपने बच्चों को हम अपना इच्छा पूरे हम पूरा कर रहे हैं, जरूरत पूरा, घर भी मेरा बढ़िया से चल रहा है और खुद से हम अपना कुछ घर में रहते थे सर, कुछ भी हम साइकिल चलाने तक नहीं जान रहे थे। अभी मैं अपने से स्कूटी खरीदी, स्कूटी से हम अपना पूरा काम कर लेते हैं। भी चला जी 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 ऋण लेके अपना कमा के कुछ समूह से ऋण लिए सर। सर हम बहुत खुश हैं, हम और इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के दीदी लोग समूह में जुड़े और मेरे तरह से इसी तरह आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, अपना जो समस्या वो अपने आप हल कर दे, मजबूत हो जाए। मतलब रोजगार से जुड़ना आज के समय महिलाओं को क्यों जरूरी हो गया? अपना गरीबी दूर करने के लिए सर, हम समूह में जुड़ के ऋण ले के बेटा लोग को पढ़ाएं। बेटा एक बेटा का मेरा सर्विस हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस में सर्विस कर रहा है। दूसरा बेटा का भी 7 तारीख उसका भी ज्वाइन है। फिर बेटी को हम साइंस पढ़वाए हैं, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से तैयार प्लास के उत्पादों की नियमित बिक्री के कारण ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इन महिलाओं ने उत्पादन और बिक्री से न सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक मजबूत किया है वरन समाज में इज्जत और सम्मान भी प्राप्त किया है। JSLPS के जो भी दीदी पूरे राज्य में 24 जिला में जहां भी दीदियों के द्वारा उत्पादन किया जाता है सभी प्रोडक्ट हम लोग हर जगह बेचने का प्रयास करते हैं, ताकि इस प्रोडक्ट को देख के कुछ तो पारंपरिक रूप से लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उसको व्यवसायिक रूप में आ सकें। बहुत सारा चीज़ है जो कि यहाँ पर ही उत्पादन किया जाता है, जैसे यहाँ पर सारे तरह के मसाले बनते हैं, सत्तू बनता है, बेसन बनता है, फिर चावल है, उसके बाद मरुआ आटा है, मकई का आटा है, ये सब सारे उत्पाद यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद जूट के बैग हैं और उसके उपरांत छोटे छोटे आइटम्स ये लोग रखे हैं, जैसे जो लोकल लेवल पर ये लोग बनाते हैं, मोड़ी हुआ, चना का भुजा, मकई का, ये सब सारे चीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के प्रयास से, चूँकि पहले लोग दीदी लोग सिर्फ SHG में जोड़ने और 10 रुपये 20 रुपये का काम करती थी, साथ में हम लोग RF CIF और क्रेडिट लिंकेज करते थे, लेकिन एक मुकाम पर नहीं पहुंचा पा रहे थे। प्लास मार्ट के आने पर इनके द्वारा उत्पादित सामान हर ब्लॉक में और हर ज़िले में बिक रहा है। यहाँ समरणालय कक्ष में होने पर समरणालय के भी जितने स्टाफ हैं सब आते हैं, सारे लोग यहाँ से परचेजिंग करते हैं, पूरे ज़िला के लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लास मार्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी गुणवत्ता को हमारे जिला कार्यालय JSLPS के द्वारा प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र
सरकार के द्वारा लिया जाता है, इनके सैंपल की जांच की जाती है, उसके बाद दिया जाता है, क्योंकि ये खाने पीने का प्रोडक्ट है। महिलाएं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के मदद से खुद के द्वारा उत्पादित सामग्रियों को केंद्र पर बिक्री कर अच्छी आमदनी कमा रही हैं, जिससे वो आर्थिक तौर पर मजबूत और आत्मनिर्भर हो रही हैं। लोकल प्रोडक्ट जो हम लोग का विरासत में मिला है वो जीवित रहे, और जैसे कि मड़ुआ का प्रोडक्ट, मड़ुआ जो लोकल हम लोग का खाद्यान्न है, तो वो जीवित रहे, उसका चीज़ बना हुआ उसको यूज़ करे, लोग भूले नहीं। और महिला लोग का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्हीं की दीदी लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं, दाल का, चावल का, और पैकेटिंग करके बेचते हैं। तो वो ग्रुप को हम लोग को जिंदा करना है और प्रमोट करना है, इसी का एक प्रयास है प्लास। और प्लास में इस तरह का सारा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह पलाश मार्ट के तहत महिलाओं को एक वरदान के रूप में व्यापार से जोड़ा जा रहा है और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और अब हम आपको लेकर चलते हैं हजारीबाग जिले के विश्रामपुर, जहां पर महिलाएं मुद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर श्रृंगार स्टोर एवं टेंट हाउस चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के साथ ही महिलाएं आज समूह में अलग अलग कार्य से खुद को जोड़ रही हैं। खासकर हमारे झारखंड के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी जो मूलतः जंगलों के पास बसे गाँव में रहते हैं, उनके लिए जंगल एक बहुत ही बड़ा संसाधन है, और इन्हीं वन संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज खुद को स्वावलंबी बना रही हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ भी महिलाओं के जीवन में नजर आ रहा है। आज हम हजारीबाग जिला के बड़का गांव स्थित विश्रामपुर गांव में हैं, और हमारे साथ है यहाँ की एक कर्मठ महिला प्रतिमा कुमारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से JSLPS से जुड़कर इनकी जीवन में क्या बदलाव आया है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये किस प्रकार से श्रृंगार स्टोर चला रही हैं, टेंट हाउस का काम कर रही हैं। तो आइए इनसे बातचीत करके इनके बारे में जानते हैं। गरीब लोग जितना भी है वो उसमें जुड़े से भी कुछ लोन मिलता है तो उसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हम लोग का मिला था, लोन मिला तो उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? काम किया कि श्रृंगार स्टोर खोले, टेंट हाउस का दुकान खोले, उसी में हम लोग इसी तरह बढ़ाते जा रहे हैं और इसी तरह बढ़ते ही रहेगा। हाँ, मेरा पति भी सहयोग भी कर दे रहे हैं साथ में, कि जैसे कि मतलब हम हमेशा एक दोनों जगह एक आदमी से नहीं ना हो सकता है, इसलिए कभी दो इसलिए खोले तो बढ़ा रहे हैं उसी समूह का। बढ़ा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो आप सखी मंडल आप लोग कब बनाई, कितना साल हो गया आप लोगों का? 4 साल हो गया लगभग। 4 साल हो गया। हाँ। उसमें कितनी महिलाएं हैं आप लोग? हम लोग 10 हैं। 10 महिलाएं? 10 से 10 हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब सखी मंडल बना रही थी तो उसमें आप लोग कैसे जुड़ी? आपको तो जब जुड़ रही होंगी तो घर वाले भी बोले होंगे क्या ये सब काम कर रही हो, उस टाइप से कुछ बोले थे? हाँ बोले थे, लेकिन दूसरी महिलाओं को आप देखी तो आपको लगा कि हाँ दूसरे लोग सदस्य को देखे कि एक दूसरे पर उन लोग भी जुड़ी हुई है, इतना काम कर रही है उन लोग भी, तो इसी तरह हम भी जुड़ेंगे तो कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, तो इसके बाद आपको किस प्रकार से लोन वगैरह भी आप ली? हाँ, 1 लाख लोग लिए हैं। 1 लाख लिए? हाँ। उसमें क्या क्या किए? लोन लिए तो इसी में दुकानें में लगाए कि जिसमें हमको बिजनेस आगे लगाए तो बढ़ेगा आगे। हाँ। इसलिए इसी में लगाए हम। पहले क्या करते थे? पहले पढ़ाई करते थे, कुछ नहीं करते थे। हाँ, दीदी लोग बताई थी, भैया लोग भी आए थे, उन लोग भी बताए कि ऐसा करो, ये ऐसा काम करेगी तो ऐसा बढ़ेगी। इसी तरह से और गांव लोग भी, उन लोग भी बोले कि हाँ ये काम करेगी तो अच्छा रहेगा। इसी तरह बढ़ते रहे और इसी तरह देख कर ही एक दूसरे से काम करते रहे।
आज के समय में महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का डंका बजा रही हैं। फिर वो खेती में नए तकनीकों से जुड़कर काम करने की बात हो या चांद तक फतेह करने की, यहाँ तक कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अब खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। यही दुकान दिए तो यही दुकाने का देखभाल करते हैं। साथ में आप लोग मिलकर? हाँ, साथ में। साथ में तो टेंट का जो सामान वगैरह वो ला देते हैं? हाँ, ला देते हैं। और श्रृंगार का जो काम वो भी ला देते हैं? वो भी ला देते हैं। हाँ, तो दोनों जगह आप कैसे चला रही है, कैसे काम कर पाती है, तो समय वगैरह बाकी है? समय वगैरह ना, ये टेंट वाला हमेशा नहीं ना चलता है, सीजनलिटी से यहाँ चलता है टेंट वाला। अच्छा। कभी बुक उक ले आया तब यहाँ इतना चलता है, और वहाँ तो हमेशा रहना पड़ता है वहाँ सिंगारा स्टोर में। हाँ। इसी वजह से इसीलिए ले चला पा रहे हैं दोनों जगह, इसी काम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे बढ़ाएंगे। हाँ। तो कोई आने वाले समय में आप कोई प्रशिक्षण वगैरह भी लेने का सोची है, जैसे कि इसके माध्यम से कुछ प्रशिक्षण वगैरह आपको मिल जाए तो आप लेंगे? हाँ, लीजिएगा ना। हाँ। अच्छा। और महिलाओं को क्या बताना चाहेंगे आप? उन लोग का भी इसी तरह बताएंगे तो उन लोग भी आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी ना? हाँ, एक दूसरे को ही देखना बढ़ती है। आज महिलाएं बहुत काम कर रही है। हाँ। आपको क्या लगता है कि महिलाओं का इस तरह से आगे बढ़ना अच्छा है? हाँ, अच्छा है ना। हाँ, महिलाएं हर काम को कर, हाँ, सकती है। हर काम कर सकती है। अच्छा, आप तो पढ़ाई भी की है। हाँ। तो एक पढ़ी लिखी महिला के लिए किसी कार्य को करना कितना आसान हो जाता है? हाँ, कितना आसान हो जाता है, आप क्या सोचती है? पढ़ लिख के तो कोई महिला अच्छा काम कर सकती है ना? कैसे? सरकार द्वारा देश के लोगों को स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की गई, जिससे लोग सिर्फ नौकरी के पीछे न चलकर खुद के स्वरोजगार के रास्ते तैयार करें। इसी योजना का फायदा प्रतिमा देवी को भी मिला, जिसके सहायता से इन्होंने अपने लिए आय का स्रोत तैयार किया है। पहले का स्थिति भी तो बहुत खराब ही थी, धीरे धीरे अच्छा हो रही है, और साथ में हम लोग भी देख रेख रहे हैं, अच्छे से घर द्वार भी बना ली है, पहले ऐसा नहीं था। सिंगार स्टोर है वो भी खड़ा कर चुकी है, टेंट हाउस भी है, पहचान तो बहुत बढ़िया है। देखिए दुकान दी है तो एक तो नाम ही हुआ ना कि JSLPS के द्वारा दुकान खड़ा की है, लोन वगैरह लेके, ये तो नाम ही होगा। टेंट हाउस में भी है जो कि मदद मिली है। इनके हस्बैंड इनको मदद करते हैं? हाँ, मदद करते हैं जी। आप लोग का किस प्रकार से सहयोग रहता है इनको? मंडल के द्वारा जैसे कि बैठक वगैरह समूह में करवाते हैं, और सकरीय महिला हो गई, भीओ दीदी हो गई, और हम लोग भी जाते हैं तो उसमें बताते हैं कि लोन वगैरह लीजिए, और जो भी बिजनेस खड़ा करना है वो आगे और बढ़ाइए ताकि आपको और तरक्की मिले और आगे आप बढ़ें, जो भी पीछे का जीवन में जो कमी है वो तो पूरा हो। अच्छा, श्रृंगार दुकान में इनका सामान वगैरह जो है वो क्या क्या रखी है, आपको कुछ मालूम है? हाँ, जो रहता है मनहारी सामान, चूड़ी वगैरह, बाला, श्रृंगार, टिकली, काजर पाउडर, जो भी है, हाँ सब कुछ है। अच्छा, उचित दाम पर उपलब्ध है सबको? हाँ, वो भी है, मिल जाता सही है। सेल भी हो रहा है अच्छा से। अच्छा सेल हो रहा है। हाँ। टेंट हाउस के बारे में कुछ बताइए। वो भी अच्छा से सेल हो रहा है। देखिए हम लोग का भी प्रोग्राम होता है CLA में और कहीं होता है, तो यहीं पे आते हैं, यहीं पे भैया को बोलते हैं कि हम लोग का यानी कि कुछ प्रोग्राम होने वाला है, आप अच्छे से कीजिए और अथी कीजिए। हाँ, अरेंज करते हैं। हाँ, जो मान के चलिए जो दूसरा टेंट हाउस में देने जाएंगे वो खुद का मेरा JSLPS का देन है, और जो बढ़ाया गया है अभी और अभी टेंट हाउस खड़ा किया गया है, तो हम यहीं ना आएंगे यानी कि अपना प्रोग्राम में। आप महिलाएं हैं और क्या चाहती है, मतलब इस तरह से महिला जो आगे बढ़ना चाहती है उसके उनको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी महिला का समस्या हो, जो भी है, वो मेरे पास रखे, सारी सखी दीदी जितनी समूह में बैठती है उन लोग के पास रखे, अपना जो भी है कमजोरी या जो भी दिक्कत है वो सब कुछ रखे ताकि आगे बढ़ने में मदद करें उसको। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का ऋण सदस्य ऋण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं सहित सूक्ष्म लघु उद्यमियों को प्रदान किया जाता है, जिससे वह विनिर्माण, व्यापार, कृषि आदि से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आय सर्जित कर सके। समूह में जुड़ने से मेरे पत्नी को
कभी 2-3 बार लोन मिला है, वो लोन को धीरे धीरे चुकती करते हुए मैं ये दुकान को आगे बढ़ाने का काम किया। जबकि धीरे धीरे वो लोन देती है, फिर हम उसको चुकता करते हैं, फिर वो लाती है, फिर उसको वही तरह करके हम आज तक इतना आगे बढ़ाए हैं। प्रतिमा दीदी पहले समूह में नहीं जुड़ी थी, तो इनका आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय था। वो समूह में जुड़ने के बाद वो अभी बहुत सारा समूह के माध्यम से लोन लिए है, जैसे RF का मिला है, CCL का लोन मिला है इसको। और लोन लेके सबसे पहले ये तो अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाई, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि इनका टेंट हाउस लगा हुआ है, साथ साथ में उनका सिंगार स्टोर है। सिंगार स्टोर में सभी प्रकार का महिलाओं का सामान मिलता है, और टेंट हाउस में भी सभी प्रकार का जो भी चाहिए वो मिलता है। साथ साथ में दीदी सबको भी सहयोग करती है, जहाँ भी CLF का या VO का प्रोग्राम रहता है करती है। और अभी इनका स्थिति बहुत अच्छा हो गया, हाँ पहले से बहुत अच्छा हो गया है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति इनका अच्छा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से पलाश मार्ट महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है, और आज महिलाएं द्वारा बनाए गए घरेलू उत्पादों की ब्रांडिंग कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से मुद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर महिलाएं श्रृंगार स्टोर एवं टेंट हाउस चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, और अभी भी वैसे ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क का उपयोग अवश्य करें, कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें, और जिन्होंने टीका नहीं लिया है वे टीकाकरण के लिए अवश्य जाएं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।